हैदराबाद मेंबरशिप पब्लिक न्यूज चैनल से। दोस्तों आपको पता होगा कि इलेक्शन जब कभी भी इलेक्शन जब होता है तो एक बहुत सारी नई नई स्कीम आती है, जिससे कि जैसे नई गाड़ियों की मॉडल अब आते आने लगे हैं, 2018 की अलग मॉडल 2019 की। इसी तरीके से जब 2019 का इलेक्शन अभी आने वाला है तो एक सरकार जो है एक नई नई स्कीम निकाल रही है, ताकि हमारे जो पब्लिक है, लोग हैं, जो हमारी जनता, जो मतलब इतनी सारी हमने 5 सालों में जो उनका उनके साथ हमने किया है, और वो जनता ये नई स्कीम के साथ भूल जाए। तो ये नई स्कीम मैं आपको दिखाने जो जा रहा हूँ, शायद अभी तक आपने नहीं देखा रहेगा कि अब बॉम्बे से पूना तक टैक्सी चलती थी, बॉम्बे से पूना तक ओला चलती थी, तो आप बॉम्बे से पूना के लिए हेलीकॉप्टर चलेगा, टैक्सी हेलीकॉप्टर चलेगा, ओला का जो टैक्स ये होता है टैक्सी में, और 20 मिनट में आप बॉम्बे से पूना का सफ़र आप तय कर सकते हैं, और उसका किराया अभी नहीं कुछ मतलब ये किया गया है, और कभी तक ये सरकार मतलब इस चीज़ को करेगी वो नहीं किया गया है, लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि ये जो है हेलीकॉप्टर बॉम्बे से पूना के लिए मतलब एक टैक्सी के रूप में चलेगा, जो जुहू चौपाटी है वहाँ से और महालक्ष्मी से मतलब ऐसी जगहों से मतलब ये हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ेगा और पूना में जाके लैंड करेगा। तो ये अब नई स्कीम आई है, अब पता नहीं कि मतलब ये 2019 इलेक्शन के बाद ये स्कीम आती है कि नहीं आती है, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है, सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई चलो हमको इतना लंबा सफ़र 20 मिनट में हमारा तय हो जाएगा, तो हम ये भी आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये कहाँ तक सच है या कहाँ तक गलत है। मैं राघव मोहम्मद से नई न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँगा, जब तक के लिए नमस्कार।